शरणे तमके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपकी भलाई के लिए, आपकी जानकारी के लिए अपने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग ग्रहों के जो रत्न होते हैं उनके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई नग पहनना है तो उस नग को कैसे पहचानेंगे कि नग आपके लिए सूटेबल है, नग अच्छा है, और कौन कौन से लोग उन नग को पहन सकते हैं, उस नग को पहनने से, उस रत्न को पहनने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर आपको मैं अपने अलग अलग वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, जिससे उन चीज़ों को जान करके आप अपना भला कर सकें। और अगर कोई आपको गलत नग दे रहा है तो उसे आप बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, अच्छा नग खरीदेंगे, इन्वेस्ट सही जगह होगा। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो शनि ग्रह के नग हैं नीलम, तो साथियों शनि ग्रह के जो नग नीलम होता है, हिंदी में नीलम कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सेफायर, सेफायर कहते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है साथियों, पहले जान लें कि यह जो आपके जो नवग्रहों में जो हमारे शनि ग्रह हैं, तो इनकी कुंभ और मकर और कुंभ दो राशियां होती हैं। तो इन राशियों के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं, और शनि का जो नग होता है विशेष रूप से वह नीलम होता है। तो यदि उसकी पहचान क्या होगी कि नीलम कैसा है, तो कह रहे हैं कि असली नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग जो है नीला जैसे दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे आपने शीशे गिलास लिया, बढ़िया सुंदर साफ साफ चकमकती गिलास हो, साफ सुथरी हो, उसमें आपने गाय का दूध रख दिया, उसमें नीलम रख दिया, तो लगेगा कि दूध जो है नीले रंग का हो गया। यदि पानी आपने डाला उस गिलास में, साफ पानी है, शुद्ध पानी है, चमकती गिलास है, आपने नीलम उसमें रखा, तो लगेगा कि नीली नीली किरणें आपको उसमें किरण दिखाई पड़ रही हैं। और यदि रोशनी में, यदि आपने धूप की रोशनी रखा, तो नीले रंग की किरण उसमें दिखाई पड़ने लगेगी। यह असली नीलम की पहचान हुई जो। अब साथियों, कैसे फर्स्ट इंप्रेंस में जैसे आपने आप परचेस करने के लिए गए, तो वहां पर देखेंगे कैसे आप पहचान करेंगे कि इसमें कैसा है, क्या क्वालिटी है, तो आपको नीले रंग का दिखाई पड़ेगा, नीलम होगा और चमकता रहेगा, उसमें विशेष चमक होती है, चिकना होगा, और जिससे मोर की पंख होती है उस तरह से उसमें उसकी चमक होगी, नीली किरणें दिखाई पड़ेंगी और पारदर्शी होगा। यह फर्स्ट इंप्रेंस में, फर्स्ट प्रथम बार आपको हाथ देखने में यह दिखाई पड़ेगा कि कैसा नीलम है ये। और फिर पहचान विधि मैंने आपको बताई अपना जो, कि उसको घर में लाकर कैसे परीक्षा कर सकते हैं कि नीलम की क्वालिटी क्या है। अब साथियों, चूंकि नीलम जो हमारे शनि ग्रह हैं, ये तो आयु लेने वाले, नौकरी देने वाले, और क्रुद्ध होते हैं तो नौकरी छीनने वाले, तो ये तो न्याय के देवता हैं, इनकी जितनी ही प्रशंसा किया उतना कम है। तो नीलम को धारण करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि धन धान्य की वृद्धि हो सकती है। यदि आप सर्विस नहीं लग रही है, नीलम योग कारक है, शनि योग कारक हैं, तो नीलम धारण कर नौकरी लग सकती है। पदोन्नति आपकी रुकी हुई है, नौकरी में आप प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, तो उसमें नीलम धारण कर सकते हैं। यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है ठीक से, तो व्यवसाय के लिए भी आप धारण कर सकते हैं, वंश वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य का शुक्ल आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से मतलब शनिदेव, जैसे मैंने बताया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं,
तो वंश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि, व्यवसाय वृद्धि, धन लाभ वृद्धि, नौकरी वृद्धि, सब चीज़ों के दाता हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको नीलम पहनने से लाभ होगा। लेकिन साथियों, नीलम, जिसे मैंने बताया कि नीलम एक बहुत ही तेज असरकारक ग्रह है, अगर कुंडली में सुटेबल आपको बृहस्पति वो शनि ग्रह हुआ तो नीलम धारण करते ही आपको तत्काल लाभ मिलने लगेंगे। और यदि यहीं अगर किसी गलत भाव का स्वामी शनि हुआ और आपने नीलम धारण कर लिया तो आपको चोट चपेटी इत्यादि भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है, तत्काल रिएक्शन हो सकता है। इसलिए बिना परीक्षा किए हुए नीलम को धारण न करें। लेकिन नीलम की जो विशेष, जो हमने बताया कि मकर और कुंभ दो उनकी राशियां हैं, वो एक राशि वालों को धारण कर सकते हैं। तुला राशि में शनि उच्च योग होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं। वृष राशि में भी शनि राजयोग कारक होते हैं, वो लोग धारण कर सकते हैं। यह तो मैंने कौन कौन लोग पहन सकते हैं इस विषय में बताया आपको, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली को दिखा करके ही नीलम धारण करें। यदि आपको इस विषय में हमसे कोई परामर्श की आवश्यकता होगी तो आप हमारे आप संपर्क नंबर 7351-5855-7351-5258-55 पर संपर्क करके सलाह ले सकते हैं, आपको उसके विषय में बताया जाएगा। अब साथियों, जैसे कि यदि आपको मैंने बताया कि वृष राशि तुला राशि में राजयोग कारक होते हैं शनि, और कुंभ और मकर उनकी विशेष स्वयं राशियाँ होती हैं, यदि यही लोग इन लोगों को यदि नीलम धारण करना है तो परीक्षा उनको भी कर लेनी चाहिए। तो सब परीक्षा कैसी करनी चाहिए कि आपको नीलम को ला करके, जैसे आप जिससे जिस विक्रेता से आप खरीदते हैं उनसे आप अनुबंध कर लें कि भाई मैं आपको नग ले जा रहा हूँ, आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, आप ले करके उनको आप जो है परीक्षा कीजिए घर पर ला करके। अगर शूट करे तो अंगूठी बना लीजिए, ना शूट करे तो वापस कर दीजिए। तो साथियों, परीक्षा क्या कैसे करनी चाहिए कि किसी सूती साफ चमकदार साफ सुथरे कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में नीलम को बांध करके और अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखें, तीन रातें रखें, मतलब तीन रातें उसको वाच करें। यदि नीलम सुटेबल है तो आपको अच्छे स्वप्न दिखाई पड़ेंगे, आपका मन प्रसन्नित होगा, आपका अच्छे से विचार उत्पन्न होंगे। अगर नीलम अगर शनि प्रतिकूल होगा तो आपको बेचैनी सवार हो जाएगी, मन में तमाम तरह की उत्कंठाएँ पैदा, वो परेशानी पैदा हो जाएगी, आपका दिमाग विचलित हो जाएगा, आपको बढ़िया नींद नहीं आएगी, इस तरह से उलझन पैदा हो सकती है। यदि सामान्य स्थिति रहती है, कुछ भी नहीं होता है, तब आपको क्या करना चाहिए कि उसको तीन दिन किसी सूती कपड़े में, सूती सफ़ेद कपड़े में लेकर के, साफ सुथरा कपड़ा हो, नया कपड़ा ठीक हो, धुला हुआ, उसको उसमें बांध करके अपने दाहिनी भुजा में उसको बांध के रखें और तीन दिन वास करें। ज़्यादा मूवमेंट कम करें लेकिन फिर भी वास करें कि आपको क्या फल दे रहा है। यदि सूटेबल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि आपको सूटेबल नहीं होगा तो आपके लिए वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि नीलम को कैसे चेक किया जाए कि वो आपको सूटेबल होगा कि नहीं होगा, और कौन कौन से लोग इसको पहन सकते हैं, उसकी पहचान विधि क्या होगी और पहनने से क्या क्या फायदे होंगे। तो इसके उपरत के रूप में एक नीली भी लगाता है, उसको भी धारण कर सकते हैं आप। तो आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।